नमस्कार, मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली। तो आज के शो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खतौली उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभाएं कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इस कड़ी में खतौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी, सपा, रालोद गठबंधन पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि खतौली क्रांतिकारियों की धरती है। जब कबाल का बवाल हो रहा था, महीनों का कर्फ्यू था, तब लोक दल के नेता कहां थे? जब हजारों हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, तब कहां थे? सीएम ने आगे कहा कि हमने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी में कानून व्यवस्था का परचम कायम किया है। पहले राहगीरों की हत्या कर दी जाती थी, किसान खेत में जाने से डरते थे, बहनें और बेटियां खरीदारी के लिए नहीं जा पाती थी, स्कूल कॉलेज जाने से डरती थी। अब बेटियां निडर हैं, लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसे समझाया जाएगा। डबल इंजन की सरकार जितना विकास कर रही है उतना 50 सालों में नहीं हुआ। हमारा संकल्प है सबका साथ सबका विकास, लेकिन तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। हम सब जानते हैं ये धरती धर्म की धरती है, तो यह शांति का संदेश देती है, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है, इस धरती ने क्रांति का संदेश भी दिया है। कौन सा ऐसा कालखंड है जब इस धरती ने अपने संदेश को न दिया हो? चाहे वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में उनके प्रमुख सेनापति के रूप में चौधरी सज्जाद सिंह के योगदान का स्मरण करने का दिन हो, या फिर देश की आजादी की लड़ाई में प्रथम स्वतंत्र समर में श्री कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में लड़ी गई इस लड़ाई के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, कभी भी यह क्षेत्र चूका नहीं। और आज भी यहां का अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से गन्ने की मिठास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। और यही तो कारण है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल इसी खतौली विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से दुनिया के अंदर मिठास फैलाती है। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, कबाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है? और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी, उनके सिपा सालारों के साथ क्या हो रहा है आज हर व्यक्ति देख रहा है। जब कबाल का बवाल हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, महीनों कर्फ्यू था, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा था, हजारों हिंदू नौजवानों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था। तब सपा के नेता तो नहीं आ सकते थे, लेकिन लोकदल के नेता कहां थे? आज पूछा जाना चाहिए इन लोगों से, तब लोकदल कहां था? तब तो ये पूछने नहीं आए थे। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने मेहनत से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक नजीर बनाया है। पहले यहां पर केराना और कांधाला से प्लान होता था, हर एक कस्बे में आकर के गुंडे जाकर के एक एक व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूली करते थे, राह चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे, अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था,
बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। भाइयों बहनों, आज केरान और कांदला का प्लांट बंद हुआ, जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं। आज फिर से केरान और कांदला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको आपने सुना खतौली में चुनावी जनसभा को संबोधित कर। इससे पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रबंधन के 2 दिवसीय तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में शिरकत की। सीएम योगी ने अलग अलग आपदाओं से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाए जाने की जरूरत बताई। सम्मेलन में सीएम ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल देते हुए कहा कि अगर लोगों को यह पता होगा कि बाढ़, भूकंप, आकाशीय बिजली और अग्निकांड आदि के समय से सावधानी कैसे बरतनी चाहिए तो निश्चित ही बड़ी जनहानि से बचा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि की जानकारी देते हुए इसे रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम को और बेहतर करने की आवश्यकता भी जताई। मुख्यमंत्री ने आपदाओं की रोकथाम में आपदा मित्रों की भूमिका की सराहना करते हुए इस कार्य में ग्राम पंचायतों को जोड़ने और आपदा मित्रों की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया। 2 दिवसीय यह क्षेत्रीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सम्मेलन आयोजित हो रहा है और देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने और क्षेत्रफल के जिससे भी देश के अंदर एक बड़े राज्यों में होने के कारण उत्तर प्रदेश के सामने आपदा से संबंधित चुनौतियां भी उसी प्रकार की है। मेरा यह मानना है कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाए, बचाव के उचित उपाय किए जाएं, तो आपदा से होने वाले किसी भी नुकसान को न्यूनतम लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस संवेदनशील प्रश्न को ध्यान में रख करके एनडीएमए को और सक्रिय करते हुए एक अच्छी शुरुआत की है। उनकी अच्छी ट्रेनिंग तो हो ही, साथ साथ जनपद स्तर पर आपदा मित्रों की तैनाती भी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर कार्य किया जा सकता है। जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूं, बाढ़ जैसी आपदा, ऐसा नहीं कि उसको नियंत्रित न किया जा सकता। कुछ तो वास्तव में प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित भी हैं। अगर नदी के कैचमेंट एरिया में अनावश्यक बस्तियां बसेंगी तो आपदा अपना विकराल रूप धारण करेगी ही करेगी। लेकिन अगर हमने ईमानदारी के साथ उस आपदा पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए तो उस पर नियंत्रण भी संभव है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 38 जनपद थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। अगर मैं विगत वर्ष की बात करूं तो ये मात्र 4 जनपदों तक सीमित हो गया है। प्रबंधन और उसके साथ नेक नियति, यह एक संबंधित विभाग से जुड़ी हुई, और दूसरा समय पर किए गए प्रयास। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यूपी के अंदर कार्य कर रही है, एनडीआरएफ वाराणसी और गाजियाबाद में काम कर रही है। एसडीआरएफ की 3 बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी और उनकी अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ ही उस कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाया गया है। पीएसी की 17 ऐसी कंपनियां हम लोगों ने गठित की हैं जो फ्लड यूनिट के रूप में और आपदा के समय में कहीं भी राहत कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, और वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में। बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए कांग्रेस की आलोचना पर नीति आयोग को आड़े हाथों लिया और कहा कि सभी लोग अपनी सिक्योरिटी रखते हैं,
लेकिन कर्मचारियों को सिक्योरिटी क्यों नहीं है? सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग रखी है कि पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। केंद्र के साथ सभी राज्यों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए दबाव बनाएं। सीएम ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि अब तक 9,36,000 लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। कोई रोजगार के लिए जा रहा है तो कोई पढ़ाई के बाद वहीं पर व्यवसाय कर रहा है, लेकिन 10 लाख लोग बाहर जाना एक गंभीर विषय है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि इस दौरान सीएम ने प्रदेश सरकार की योजनाओं की तारीफ की बीएसएफ हेलीपैड पर, और बाद में बेरोजगारों के सामने उन्होंने राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना की जमकर तारीफ की। और जिसमें बाद में क्या दिक्कत थी, जब अकाल सूखा पड़ता था तो गायों का अलग चिंता रहती थी, पीने के पानी की, मनुष्यों को पीने के पानी की, रोजगार के लिए भटकते थे। अब 100 दिन का रोजगार की गारंटी हो गई। तो हमारी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 25 दिन बढ़ा दिए स्टेट के फंड से, भारत सरकार ने दे रही है 100 दिन का वह कैप है। हमने कहा 25 दिन हम देंगे आपको, 125 दिन कर दिए राजस्थान के अंदर कर दिए, अमेरिका संवाद प्रदेश के अंदर राजस्थान में होगा। पर जो शहरी रोजगार योजना शुरू करी है, मैंने कहा कि पैटर्न पे करी है, 18 तक के काम उसके अंदर है। और आप सोच सकते हो उसकी भी 100 दिन की गारंटी दी गई है। शहरों में जो आदमी जाना चाहे काम में तो उनको काम मिलने लग गया। योजना हो गई एक में जाता हूँ सोशल सिक्योरिटी पेंशन। अभी बुढ़ापे के अंदर हम 750 देते हैं, पति पति 1500 देते हैं, विधवा औरत है उसको 500-750 मिलते हैं, निस्सज्जन है उनको इतने गरीब भी पैसा मिलता है। मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी, चौथी मेरी मांग ये है, आप जो है पेंशन की पॉलिसी बनाओ पूरे देश के लिए। दुनिया के मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर वीकली पैसा मिलता है परिवारों को, वीकली पैसा मिलता ऑटोमेटिकली। बिना मांगे हुए कितने सदस्य हैं वहाँ पर, क्या तकलीफ है, नौकरी की नहीं की, मजदूर थे क्या थे। तो आप इस देश के अंदर भी हम 21st सेंचुरी में पहुँच गए हैं, जो राजीव गांधी का सपना था। आज कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट सेवाएँ आ गई, नॉलेज इज पावर। और बुजुर्गों को एक मजदूरी काम करता है, बिल्डिंग खड़ी करता है, कभी खाली मशीनें नहीं करती उसको, बिना मजदूर कोई अट्टालिकाएं खड़ी नहीं होती। मजदूर जब सही साधना बंद कर देता है तो घर बैठ जाता है, चाहे माइनिंग का मजदूर हो चाहे वो दूसरे बिल्डिंग बनाने में मजदूर हो। सरकार की जिम्मेवारी है उसके आराम से जिंदगी निकले, उनको पहले क्या मिल सकते मजदूर को। ये सोच भारत सरकार की होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस सोच को आगे बढ़ाए और देश बनने में नई पॉलिसी बनाए, जिसमें जैसे सेंट्रल स्कीम थे 60-40 है, भारत सरकार 60% देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है, JJM है 45% भारत सरकार है, 45% स्टेट गवर्नमेंट का है। उसी ढंग की सोच पेंशन के लिए हो रही है, 60% वो दे, 40% राज्य सरकार दे, तो जाके कम से कम 3-5 हज़ार रुपये उनको मिल सकता है। इस प्रकार की इसको एडम करके 2,000 मिले, 3,000 मिले, फिलहाल रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए न्यूज इंडिया।
वेलकम बैक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक गोपाल येवतीकर का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संघ कार्यालय पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि गोपाल जी व्यक्ति नहीं विचार थे, संस्था थे, प्रेरणा थे। उन्होंने खुद का सारा जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित किया। हमारे जैसे स्वयंसेवक भी उनके हाथों तैयार हुए, उनकी प्रेरणा से तैयार हुए। गोपाल जी ने जो कहा कि वो पत्थर की लकीर होती थी, उन्होंने ऐसे कई कार्यकर्ता तैयार किए और अंतिम समय तक भारत माता के चरणों की आराधना में लगे रहे। सीएम ने आगे कहा कि उनका जीवन हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता रहेगा, वो हमारे आदर्श हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे। माता की सेवा में समर्पित किया था, लेकिन हमारे जैसे लाखों लाख स्वयं सेवक भी उनके हाथों तैयार हुए, उनकी प्रेरणा से तैयार हुए। बचपन में भोपाल में वो हमारे विभाग प्रचारक थे, तब मैं उनके संपर्क में आया था और उनकी प्रेरणा, उनके जीवन, उनके आदर्श, वो काम करने की हमारी प्रेरणा बने, वो हमारे लिए आदर्श थे। गोपाल जी ने जो कह दिया, हम सब के लिए वो पत्थर की लकीर होती थी, आंख बंद करके अपनी श्रद्धा के कारण उनके बताए मार्ग पर चलते थे। उन्होंने ऐसे कई ध्येयवादी कार्यकर्ता तैयार किए और अंतिम समय तक लगातार वो भारत माता की चरणों की आराधना में, जो भी काम उनकी तरफ आया वो लगातार करते रहे। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वे सात्विक कार्यकर्ता थे, आदर्श थे, प्रेरणा थे। कल ही उनका फोन आया था, उनकी आवाज़ सुन के नहीं लगा कि वो इतने जल्दी चले जाएंगे। उन्हें आशीर्वाद दिया, मन में इच्छा थी एक बार उनके दर्शन करने आऊं, मैं कार्यक्रम भी बना रहा था, लेकिन आज सवेरे ये समाचार आया कि वो अब हमेशा के लिए परमात्मा के पास चले गए। उनका जीवन हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता रहेगा, वो हमारे आदर्श हैं और उनके बताए मार्ग पर हम चलते रहेंगे। उनके चरणों में प्रणाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके 30% आरक्षण को लेकर पहले दिन से गंभीर है। इसी वजह से राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और हाईकोर्ट के आदेश को स्थगन कराकर अब राज्य सरकार सीधे नौकरियों में आरक्षण पर कानून ला रही है। सीएम ने कहा कि हमारा राज्य मातृशक्ति के संघर्षों से बना हुआ है, इसलिए हमने विधानसभा में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया है। मातृशक्ति के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। ये राज्य हमारा मातृशक्ति के बहुत संघर्षों से बना हुआ राज्य है। मातृशक्ति ने बहुत बड़ा संघर्ष इस राज्य की प्राप्ति के लिए किया है, इसलिए मातृशक्ति का क्षैतिज आरक्षण बरकरार रहे, उसके लिए हमने पहले ही कहा था कि हम जिस सीमा तक भी जाना होगा उस सीमा तक जाएंगे। पहले हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दायर की थी, वहाँ से हमको राहत मिली और हम पुख्ता उसको करने के लिए विधानसभा के अंदर महिला आरक्षण संबंधी विधेयक भी हमने प्रस्तुत किया है, जो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की मातृशक्ति के विकास और संवर्धन के लिए आगे तक उस पर बहुत अच्छे तरीके से मातृशक्ति का हर प्रकार का विकास हो, संवर्धन हो, उसके लिए ये विधेयक मिल। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।